अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, होपफुली ऑल आर फाइन। कैसे आप सब लोग जी? वेलकम टू अनदर वीडियो। अभी जरा मैं उठी हूँ, उठते साथ मुझे था कि मैं नहा लूँ और रेडी हो जाऊँ। और ये देखिए जी, आयमा जानी मेरी मटकल्लो को, ये देखिए नानो ने कुर्ता भेजा। इधर आओ दिखाओ, नानो ने जो ड्रेस भेजा वो दिखाओ, इधर आके आगे आके दिखाओ। ये देखिए जी आयमा जानी को, आयमा जानी को आजकल मैं मैंगो शेक पिलाती हूँ, माशाल्लाह मोटो मोटो होती। आप लोग भी अपने बच्चों को खिलाया करें, रोटी छोटी जो भी चीज़ बनी होती है ना, मैं माशाल्लाह साइमा को खिलाती हूँ, चाहे वो गोभी हो, भिंडियाँ हो, कुछ भी हो। मैंने उसको ये नहीं आदि किया कि ये खाओ और ये ना खाओ। आज रुबीना गोभी, गोभी मैं तो गोभी नहीं खा सकती, अगर गोभी खाऊंगी तो पेट में दर्द होगा आज। हाँ मैं निहारी खाऊंगी। कैसी बनी थी निहारी? इतनी फिट निहारी बनी यार, इतनी कमाल, बहुत फिट। ऐसे लग रहा था कि फर्स्ट टाइम बनाई ना हो, बहुत प्रोफेशनल बनी थी, बहुत फिट। आप लोग भी बनाए और बहुत इजी तरीका था, मैंने बताया भी है। अच्छा ऐसा सीन है कि अभी जो ना मेरे कुछ कपड़े बन के आए हैं, नाइट सूट्स टाइप मैंने बनवाए हैं, आफ्टर डिलीवरी मैंने पहनने होंगे, जो हॉस्पिटल में इजी भी रहे बहुत। तो मैंने कहा चलो वो स्टिच करवाए हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक जो ना ये देखिए, मैंने ये वाला प्रिंट लिया है। ये प्रिंट जो है ना इतना फ्लोरल से मुझे कहाँ से मिला है, किसी भी पठान मार्केट से आपको मिल जाएगा, किसी भी लोकल जगह से आपको मिल जाएगा। ये जो कपड़ा है ना मुझे नेट से मिला है 1500 रुपये का, ठीक है? मतलब ये टू पीस था और इसके साथ आयमा का भी मैंने लिया था। तो ये आप देखें, सूट की जो शर्ट की लेंथ है ना वो मैंने बड़ी रखवाई है, मतलब बहुत छोटी नहीं रखवाई, ताकि मैं एज अ कोऑर्ड भी इसको पहन लूँ। तो बाद में आपको पता है कि ये बहुत लाइट सा कपड़ा है, मतलब ये लॉन नहीं है, आराम से गर्मियों में भी चल जाएगी। और आप प्रिंट चेक करें और सेम टू सेम ही ऐसा ट्राउज़र है। इसके नीचे मैंने ब्लैक कलर की लाइनिंग लगवाई है, ये देखें ये सिल्क का कपड़ा। और ट्राउज़र अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह के मुझे बहुत इजी लग रहे थे, मैंने कहा यार ये मैं बनवा लेती हूँ, स्टाइलिश भी लगेंगे और ऐसे लगेगा कोऑर्ड पहना हुआ, और घर में आराम से पहनूंगी 40 डेज। तब बना हुआ डबल लेयर्ड में और यहाँ पर स्टिचिंग हुई भी है सेम। और इसकी लेंथ मैंने बहुत बड़ी नहीं लगवाई, 34 या 35 रखवाई है, क्योंकि मैं ट्राउज़र बहुत ऊंचे नहीं पहनती। और ये इतना कमाल लग रहा था पहना हुआ, अभी नहीं इंशाल्लाह बाद में आफ्टर डिलीवरी आपको पहन के दिखाऊंगी। इसका प्रिंट भी मुझे बहुत फिट लग रहा था, बॉल्स वाला ब्लू कलर का, ये भी बहुत फिट सा है। ये भी मैं हॉस्पिटल लेके जाऊंगी, मैंने कहा यार इजी भी है। अच्छा ये देखें इस पर चुनटे, ये देखें ये यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे लगी हुई हैं इस तरह से, थोड़ा सा फ्रॉक स्टाइल में ये मैंने बनवाया है। और इसके जो ना बाजू आप देखें बिल्कुल सिंपल बने हुए हैं, बाकी यहाँ पे ये देखें प्लीज तली हुई हैं 1 2 3। और ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, ऐसे लग रहा है कि कोऑर्ड सेट हो, हालांकि ये बनवाए मैंने नाइट सूट्स हैं और ये भी पठानों का कपड़ा है। अच्छा जी इसका भी ये देखिए सेम वैसे ही ट्राउज़र है, कोऑर्ड्स मैंने बनवाए हैं और ये बहुत फिट से हैं, 40 दिन पहनूंगी। डार्क कलर लिए हैं, लाइट कलर के कभी भी नहीं बनवाने हैं, हमेशा डार्क कलर्स के बनवाने हैं। थर्ड वन इन्जॉय, जैसे आप लोग मेरे व्लॉग्स देखे इन्जॉय करते हैं ना, इसी तरह मैंने कहा यार एक अदद कोऑर्ड भी बना लेना चाहिए। ये देखे जी ये भी मुझे बहुत क्यूट सा लगा था, इसके ऊपर सारा लिखा हुआ है इन्जॉय इन्जॉय। तो ये देखे जी ये वाला भी बनाया है, ये बिल्कुल सिंपल है और इसकी वाइट मैंने दी है ताकि वाइट जो है ना वो एनहांस होगा, अगर इसकी नेवी ब्लू होती तो पाइपिंग एनहांस ना होता। और बाकी सेम वैसा ट्राउज़र है जैसे अभी मैंने आपको दिखाए थे। ठीक है कि मैंने जो है ना आप लोगों को ये दिखा दिया है कोऑर्ड सेट, ये इतने फिट, वैसे तो ये नाइट सूट्स है लेकिन मैंने इनकी लेंथ थोड़ी सी लंबी रखवाई है। ये अभी भी मुझे पूरे आ रहे थे, रात को ये आए स्टिच होके, तो मैं जो है ना टेलर के मैंने ट्राई करके देखे, इतने फिट लग रहे थे लेकिन अभी मैं आपको पहन के नहीं दिखा सकती, तो मैंने कहा बाद में आपको पहन के दिखाऊंगी। और मतलब मैंने काफ़ी लूज स्टिच कराए हैं ताकि बाद में मुझे इजी हो, जैसे ऑब्वियसली आपको पता है 40 डेज कोई आ गया घर में मिलने के लिए, कोई आ जाता है तो घर में बंदा अच्छा भी लग रहा होता है। ऑब्वियसली मैं फ्रॉक्स पहन पहन के ना थक गई हूँ, तो मुझे था चलो कोऑर्ड्स पहन लूँगी। ऑब्वियसली एंड में तो बहुत बड़ा टमी होता है, बाद में पेट भी कम हो जाता है और जो ना वेट भी कम हो जाता है, कुछ लोगों को तो वेट बढ़ता ही नहीं है, लेकिन मेरी जो स्वेलिंग है ना इंशाल्लाह आप खुद ही देखेंगे कि विद इन 10-15 डेज में मेरा बहुत कम वेट हो जाता है। तो बाकी फिर मैं 40 डेज तो नहीं डाइट करूंगी, लास्ट टाइम टाइमा के बारे में 40 डेज पे ही मैंने डाइटिंग स्टार्ट कर दी थी, वॉक करना ये वो, तो फिर मेरे इतनी मुझे वीकनेस होती थी कि मैं आयमा को उठा नहीं सकती थी। और आयमा इतनी मोटी थी, मैं जहाँ पे भी जाती थी ना मैं लोगों को कहती थी यार तुम इसको जरा पकड़ो तो सही, तो मेरी दोस्तें कह रही थी तुम आयमा का प्राण लेके आना, अगर आयमा को हम नहीं उठा सकते खुद भी तुम अपना बच्चा नहीं उठाती हो। और वैसे भी मैं न्यू बॉर्न बेबीज को ज़्यादा नहीं उठाती, मुझे ये लगता है कि बच्चे को जितना आप सोने दोगे नीचे वो लेटा रहेगा उतनी अच्छी बात होगी, ना कि आप उसको गोदों में उठा उठा के जी हिलाते रहो और ये वो। तो इंशाल्लाह बस कॉलिक बेबी ना हो, दुआ ये करनी चाहिए। बाकी जी अभी मैं अपने छत के पंखे देख रही थी, बहुत गंदे हुए हैं यार, पंखे साफ करो, अभी पंखे साफ करवाती हूँ, ठीक है? तो अभी जो ना ये बच्चियाँ जो है ना मेरे घर में वो इतना मेरा साथ देती हैं, मतलब वीडियोज़ बनाने में मेरी बहुत हेल्प करती हैं,
तो बस यार आई एम सो ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप कटिंग कराओगी? मैंने सोचा जी आयमा के बाल बहुत बड़े हो गए हैं, बड़े करो उसको, कर्ली को नीचे करो, पकड़ के नीचे करो, नीचे नीचे नीचे, हाँ इतने बड़े। मैं सोच रही हूँ इसकी बेबी कट करा लेती हूँ आयमा की। ठीक है आयमा, बैक से दिखाओ, बैक से दिखाओ अपने बाल। ये कुर्ता मुझे इतना प्यारा लग रहा है, मेरी अम्मा ने बना के भेजा है। अम्मा कहती है मेरा सूट था निशात का, तो उसमें कपड़ा बच गया, मैंने फिर आयमा जानी का बनवा दिया। आयमा नीचे करो, अब बैक से दिखाओ, कटिंग करा ले। तो आप पूछो ना सबसे कि मैं करा लूँ या नहीं कराऊँ। मैं करा लूँ कि नहीं कराऊँ? वो कह रहे करा लो। यार आपको करानी ऐसे नहीं चाहिए। क्यों नहीं करानी चाहिए पापा, हमने करवानी है। नहीं यार प्लीज, हम कर, मैं अपनी बेटी के बाल कटवाना चाहता हूँ। थोड़ा थोड़ा करा लो ना, बेल भी कटा, थोड़ा थोड़ा ट्रिम करा लो, ठीक है, ज्यादा ना कटवाओ। खुद तो आपने कहा है कि इतने बड़े बाल उसके किए हैं। बाल लड़कियों के छोटे हैं, थोड़े से लड़कियों के छोटे से छोटे से। चलो आओ कटिंग करवाने चले, आ जाओ। अभी बेबी कट कराऊंगी। घर के बाहर है ये मुर्गा, और मैंने सोचा वैसे भी मुझे देसी मुर्गी की बहुत जरूरत है, आपको पता, तो कटवा लेती हूँ इसको। आयमा देखो ये तो बेचारा बहुत कमजोर है, अकेले रह गए, बहुत कमजोर है। आ जाओ, ये पिशावर जा रहा है, मुझे दे दो भाई इसको, मैं कटवा लूंगी। ये तो अभी छोटा है, इसका माँ किधर है, इसका बाप? ओ नहीं, ये बिल्ली है, वो इसके साथ रखी थी एक मुर्गी। अच्छा, तो बिल्ली कहाँ गई? बिल्ली कहाँ गई? हाँ जी। ये मुर्गा जाए ही ना, मैं कहूँ पता नहीं किसका मुर्गा है, किसका मुर्गा है। वो मुझे कहा आप ही मुर्गा जो है ना बिल्ली खा जाएगी। मैंने कहा चलो पूछते हैं किसका है, तो अब देखो अभी भी नहीं है, अब अंदर चला गया। यस आयमा, टैंक का डब्बा कहाँ से लेके आ गई हो? हर दिन हो गए, एक मुर्गा का बच्चा जो ना वो बार बार, देसी मुर्गा, ये कहाँ से है? पिशावर से? नहीं, पिशावर लेके जाना है, लेके जाना है। आया कहाँ से है? क्वार से। आयमा देखो सी, आओ कम, आओ ना पकड़ो, आओ ना रुबीना, जरा पकड़ो ना इसको। कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहता ना, पकड़ो। तोहफा दे रहे हैं भाई हमें, तोहफा दे रहे हैं। मैं नहीं पकड़ती, तुम पकड़ो ना। कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता, पकड़ो ना तुम इसको, काटना फिर पकाओ, तुम इतनी बड़ी कुक हो। आई मैं पकड़ लो ना, आ जाओ नहीं दे दो, पिशावर तो वैसे जा रहे हो, अभी बहुत छोटा है ये। कह रही अंडा दे दो, अक्कल बड़ी के भैंस। नहीं वो है भी बच्चा छोटा यार, वो नहीं दे सकता अभी। बच्चा? हाँ वो छोटा बच्चा है, वो पिशावर जा रहा है कल। क्या मतलब पिशावर जा रहा? हाँ वो कह रहे कल गाँव जा रहे, तो वो गाँव जाए। हैंड मिला था मेरी बेटी को, मजा आया। आपको हैंड चाहिए? हम इसको हैंड को काट के हम गोश्त बना के खा लेंगे। नहीं। हाँ नहीं, मैं इसके साथ खेलूंगी। तो आप ये जो रोज खाती हो अपना हैंड, ये रोज कटी हुई तो हैंड खाती हो? और ये अच्छी नहीं होती, मुझे अच्छी वाली देसी वाली खानी है। चिकन, इसका हम चिकन बना के ना खा जाते हैं। A few moments later. ना मोटे मोटे हाथ है आयमा जानी के, इतने प्यारे से। सही से बताओ कैसे मसाज करते हैं, बताओ। अच्छा करो ना मसाज करके बताओ, फिंगर से करते हैं या थंब से करते हैं? ये देखिए जी, हाथ तोड़ती हो क्या? चल आराम आराम से, आराम आराम से। कपड़े धो रही हो क्या? हाथ है मेरे। वो तो 3 hours later. जो ना बहुत लेट नाइट हो गई है, और मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैंने एंडिंग ही नहीं की थी क्योंकि मेरे घर पे गेस्ट वगैरह आ गए थे, तो अभी मैं सोने लगी थी। मैंने कहा चलो आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ करके ही सोती हूँ, फेस वॉश करती हूँ, नमाज भी नहीं पढ़ी, अभी नमाज भी रहती है, गला फिर बंद हो रहा है पता नहीं क्यों। चलिए जी, होपफुली यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, लव यू एवरीवन जी, अल्लाह हाफिज़।